हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडेज टॉपिक इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, सो दिस टॉपिक इज इन पेज नंबर 17 ऑफ चैप्टर 2 ज्योग्राफी। ओके, हम आज क्या पढ़ेंगे? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन मीन्स, मैंने आप लोगों को बताया है दैट वेजिटेशन मीन्स वनस्पतियाँ। नेचुरल वेजिटेशन तो हमें नेचर से ही मिलता है, नेचुरल है। दैट मीन्स हमें कहाँ से मिला है ये वेजिटेशन? हमें नेचर से मिला है। एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ मीन्स वॉट? फॉरेस्ट में जो हमारे जंगलों में हमारे जो एनिमल्स रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स के नाम से जाते हैं। उन वाइल्ड एनिमल्स की लाइफ कैसी होती है दैट हम किस में पढ़ते हैं? वाइल्ड लाइफ में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। Some students' children were visiting an exhibition on handicrafts. The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is beautiful handbag." "Yes, it is made up of jute," the teacher said. तो यहाँ पे क्या हुआ? स्कूल का एक एग्जीबिशन था जहाँ पे बहुत सारे बच्चे घूमने गए, ठीक है? वहाँ पे एक मोना थी, मोना नाम की एक बच्ची थी जिनने एक बैग परचेज किया और बहुत एक्साइटेड होके बोला, वाओ दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, ये बैग कितना ब्यूटीफुल है। टीचर ने बोला, यस दिस इज़ ब्यूटीफुल बट इट इज़ मेड अप ऑफ जूट। ओके, मतलब ये हमारे ये बैग किसका बना हुआ है? जूट का बना हुआ है। डू यू नो सी दोज बास्केट, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स? These all are made up of canes and bamboos. मतलब उसके बाद टीचर ने बोला, आप लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो बास्केट, लैम्प्स, शेड्स और ये चेयर्स पड़ी हुई है, ये सब किससे बनी हुई है? ये सब हमारे canes और bamboos से बनी हुई है। In the eastern and north eastern humid region of India, bamboo grow in a plenty. मतलब हमारे इंडिया के जो eastern and जो north eastern है, जो north eastern रहता है region है, जो काफ़ी ह्यूमिड रहता है, बहुत नमी रहती है वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे बैम्बू बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, प्लांटिंग मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में। जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्काफ, एक सिल्क का स्काफ पड़ा था, तो दूसरा एक बच्ची थी जिसका नाम था जैसी, वो उस सिल्क स्काफ को देख कर बहुत एक्साइटेड हुई एंड क्या बोला, दिस इज ऑल्सो टू beautiful scarf. The teacher explained that silk is obtained from silkworm that are bred on mulberry trees. Okay? उसके बाद जब जैसी ने बोला कि ये scarf बहुत सुंदर है, तो वहाँ पे उनकी टीचर ने क्या बताया? That हाँ, ये scarf हमारे silk से बना है और आप क्या जानते हो कि silk हमें हमारे silk worm से मिलती है, जो कहाँ पे होते हैं? जो mulberry trees में होते हैं सिल्क वर्म्स, उनसे हमें ये सिल्क मिलती है। आप इस पिक्चर्स में भी पिक्चर में भी देख सकते हैं सिल्क वर्म। ओके, देन द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट दैट वी कैन यूज इन आवर डेली लाइफ। इस सारे एक्साइटेड थिंग्स और हैंडीक्राफ्ट थिंग्स को देख कर चिल्ड्रन ने क्या समझा? दैट कि हम अपने डेली लाइफ में जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो सब हमें कहीं ना कहीं रिलेट करती है हमारे प्लांट से, और वो सब हमारे प्लांट और हमारे नेचुरल वेजिटेशन ने हमें दी हुई है। ओके, देन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोसफेयर दैट वी कॉल बायोस्फेयर। दैट मीन्स हमारी जो वाइल्ड लाइफ है और हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट ही तब कर सकता है जब हमारा बायोस्फेयर अच्छा हो। लाइक बायोस्फेयर मतलब जो हमारे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोसफेयर की जो नैरो जोन है वो अच्छी हो, तो हमारा बायोस्फेयर अच्छा होगा। दैट मीन्स हमारा नेचुरल वेजिटेशन और हमारी वाइल्ड लाइफ तभी एग्जिस्ट कर पाएगी। इन बायोस्फेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इज नोन एज अदर फॉर सर्वाइवल। हमारे जो बायोस्फेयर में जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं,
वो एक दूसरे पे या तो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं या तो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ओके, किस लिए, अपने सर्वाइवल के लिए. दिस इज सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इको सिस्टम. और ये जो सपोर्टिंग सिस्टम है यही हमारा इको सिस्टम कहलाता है, ठीक है, कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग बींग्स अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के ऊपर या तो डिपेंडेंट है या तो कहीं ना कहीं से रिलेट करते हैं. वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्स. हमारा जो वाइल्ड है, हमारे जो वाइल्ड लाइफ है और हमारा जो वेजिटेशन है, ये काफ़ी वैल्यूएबल रिसोर्स है हमारे लिए एज वाटर एंड सॉइल आर. ओके, जिस तरह से हमारे लिए वाटर और सॉइल, लैंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारा नेचुरल रिसोर्स है, एज इट इज़ हमारा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है और बहुत वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं. प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीद, प्रोटेक्ट सॉइल, सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्ट एज अ शेल्टर प्लांट्स. दैट मीन्स प्लांट्स कितने अलग अलग जगहों पे हमारी हेल्प करते हैं. प्लांट्स हमें फूड देते हैं, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स हमें टिम्बर देते हैं, प्लांट्स एनिमल्स को घर देते हैं, शेल्टर देते हैं और हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर और हमारे सॉइल को अच्छा करते हैं सो दैट वी कैन ग्रो फूड, वी कैन ग्रो क्रॉप्स स्टोर और हमारे अंडरग्राउंड वाटर को भी स्टोर करते हैं. हमें फ्रूट्स देते हैं, हमें नट्स देते हैं, ओके, हमें ऑयल देते हैं, गम, बहुत सारे और अलग अलग टाइप की मेडिसिंस देते हैं और हमें पेपर भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स, जो हमारी स्टडीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. देयर आर इन रिमूवेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर. मतलब ये कुछ बहुत कम यूजेस आप लोगों को ऊपर बताए गए हैं, बट आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सिर्फ प्लांट्स ही देते हैं. वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्यूटिक लाइफ फॉर्म्स. दैट मीन्स वाइल्ड लाइफ में हम एनिमल्स को भी बोल सकते हैं, हम बर्ड्स को भी बोल सकते हैं, ओके, वाइल्ड लाइफ हम इंसेक्ट्स को भी बोल सकते हैं, इवन हम एक्यूटिक लाइफ फॉर्म्स. दैट मीन्स एक्यूटिक मीन्स वाटर. तो वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं हम या फिर वाटर एनिमल्स को भी हम एक्यूटिक एनिमल्स बोलते हैं, तो हम वाटर एनिमल्स को भी अपने वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल्स. हाँ, हम वाइल्ड लाइफ इन्हें क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो हमें काफ़ी कुछ प्रोवाइड करते हैं, हमें मीट प्रोवाइड करते हैं जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं, ओके, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, ओके, वूल प्रोवाइड करते हैं जो हमें क्लोदिंग में बहुत काम आती है, ओके, इंसेक्ट्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, इंसेक्ट्स हमें हनी प्रोवाइड करते हैं, ओके, इंसेक्ट्स लाइक हनी भी हमें क्या प्रोवाइड करती है, हनी देती है, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम. और इंसेक्ट्स डिकम्पोजर्स का भी काम करते हैं हमारे इकोसिस्टम में. ओके, द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल. और बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स क्या करती हैं, इंसेक्ट्स को खाती हैं जिससे वो भी हमें डिकम्पोजर्स का हमारे इकोसिस्टम की डिकम्पोजर्स भी कहलाती हैं, एक्ट करती हैं एज अ डिकम्पोजर. वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक इज अ स्कैवेंजर एंड considered a vital cleaner of the environment. Okay, और उसके बाद कुछ ऐसे vultures होते हैं जो dead bodies को खाते हैं, insects को, मरी हुई dead bodies को खाते हैं, तो इससे क्या है, हमारा environment clean हो रहा है. Just because जो decomposers होते हैं और जो हमारे vultures होते हैं वो dead bodies को consume करते हैं जिससे हमारे environment को environment clean होता है. So animals, big or small, all are integral to maintaining balance in the ecosystem. So that हमारे जो wildlife है,
हमारे जो एनिमल्स हैं, हमारे जो इंसेक्ट्स हैं, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, वो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर मेंटेनिंग बैलेंस इन अवर इकोसिस्टम। दैट मीन्स वो हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस कर रहे हैं, हमारे इकोसिस्टम को क्लीन कर रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रख रहे हैं। ओके, तो हमने अभी यहाँ पे क्या पढ़ा कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल वेजिटेशन है और जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, वो हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कैसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम पढ़ते हैं, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ठीक है, अगर हम बात करें पहले की, तो हमारा जो वेजिटेशन का ग्रोथ था वो किस पे डिपेंड था, हमारे क्लाइमेट कंडीशंस पे, दैट मींस हमारे मॉइस्चर और टेम्परेचर पे। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द अर्थ आर ग्रुप एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। दैट मींस अब अगर हम बात करते हैं हमारे वेजिटेशन के टाइप्स की, तो हमारे वेजिटेशन को पूरे वर्ल्ड में कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्रीव, मतलब अगर हम बात करते हैं ऐसे एरियाज की जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रीज होंगे, बट ऑब्वियस है द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरिया हैविंग एबंडेंट वाटर सप्लाई। इसका मतलब हमारे ऐसे फॉरेस्ट जहाँ, और फॉरेस्ट हमारे कैसे एरियाज में ज़्यादा होंगे, जहाँ पे एबंडेंट, मतलब जितना एबंडेंट का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी, मतलब जितना वाटर वहाँ पे चाहिए उतने अमाउंट का वाटर वहाँ पे सप्लाई होता है। ओके, एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस। और जैसे जैसे मॉइस्चराइजर डिक्रीज होता है, ठीक है, जैसे जैसे मॉइस्चर डिक्रीज होता है, वैसे ही हमारे ट्रीज की साइज और उनका डेंसिटी मीन्स उसका घनापन कम होता जाता है। शॉर्ट स्टंट ट्रीज एंड ग्रास ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स हमारे जो छोटे छोटे से ट्रीज होते हैं लाइक अ ग्रासेस, और जो हमारी ग्रासेस होती हैं वो सब कैसे रीजन में ग्रो करती हैं, जिनका रीजन मॉडरेट रहता है, मतलब ना पूरी टाइम सिर्फ हैवी रेनफॉल, दैट मीन्स मॉडरेट का रेनफॉल भी हो रही है, उनको एबंडेंट वाटर भी सप्लाई हो रहा है और थोड़ा मॉइस्चर भी है। ऐसे जगहों पे हमारे शॉर्ट ट्रीज और ग्रासेस ग्रो होती हैं। थ्रोटी शब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन अ ड्राई एरिया ऑफ लो रेनफॉल। और हमारे जो थ्रोनी शब्स होते हैं और हमारे जो स्क्रब्स होते हैं, ये सारे कहाँ ग्रो करते हैं, ये सारे ड्राई एरियाज पे ग्रो करते हैं। ओके, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है, इन सच एरिया प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव विथ थ्रोनी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चराइजर थ्रू ट्रांसपिरेशन। दैट मीन्स ऐसे एरियाज पे जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो बहुत डीप रहती है और इनकी जो लीव्स रहती है वो थ्रोनी एंड वैक्सी रहती है। ओके, और वो अपना मॉइस्चर लूज करते जाते हैं किसके थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंपाइजेस ऑफ मोसेस एंड लिचेंस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमारे टुंड्रा वेजिटेशन की, तो वो कैसे रीजन्स पे होते हैं, कोल्ड रीजन्स पे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ठंडे रीजन्स पे, लाइक मॉसेस एंड लिचेंस। ठीक है, जो हमारा पोलर रीजन होता है, जहाँ पे पोलर बियर्स भी रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा ठंडा रीजन होता है, कोल्ड रीजन, वहाँ पे हमें ये मिलते हैं। ओके, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हमारे डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ग्रो होते हैं। फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेसिडियस डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव्स। ओके, अब हमारे जो फॉरेस्ट है उनको हमने टू टाइप्स में क्लासिफाई किया है यहाँ पे, दैट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, किस बेस पे, जब वो अपने लीव्स को शेड करते हैं। ओके, एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स सिमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। हमारे जो एवरग्रीन, एवरग्रीन नाम कैसे पड़ा,
हमेशा ही वो ग्रीन हरे भरे डेंस रहेंगे, इसलिए उनका क्या नाम पड़ा, एवरग्रीन। ओके, तो हमारे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो अपनी लीव्स को शेड नहीं करते किसी भी सीजन में। ओके, डेसिडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चराइजर थ्रू मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। दैट मीन्स हमारे जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो अपनी लीव्स को शेड करते हैं किसी पर्टिकुलर सीजन में, ठीक है, क्या कंजर्व करने के लिए, उनका जो मॉइस्चर का जो लॉस हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, ट्रांसपिरेशन करने के लिए वो अपनी लीव्स को, ट्रांसपिरेशन मतलब एक लीव्स गिरा के दूसरी लीव्स को वापस लाना, इसके लिए वो एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी लीव्स को शेड करते हैं। Both type of forest are further classified as tropical or temperate based on their location in different latitude. ठीक है, हमारे पहले जो forest थे वो broadly two types में classified हुए थे, that is evergreen and deciduous. Okay, but later ये किस पे based होके वो दो type में depend हुए थे, leaves के based पे, कि अपनी leaves को shed कब करते हैं और कैसे करते हैं, इस बेस पे दो क्लासिफिकेशन हुए थे, दैट इज एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। बट उसके बाद अगर हम बात करते हैं उनके टेम्परेचर की, और अगर हम उनकी बात करते हैं लोकेशन की, ठीक है, उनके लैटिट्यूड की, तो उसके बाद उन दो फॉरेस्ट को भी डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। यू हैव लर्न इन द डिटेल अबाउट द वेरियस फॉरेस्ट टाइप, देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एसोसिएटेड एनिमल लाइफ इन द प्रीवियस क्लास। और ये सारे डिविजन्स, दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, इन सब का डिस्क्रिप्शन आपने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने पढ़ा हुआ है। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर टू सेंचुरीज बैक। टू फीड द ग्रोइंग नंबर लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स। बहुत टाइम पहले, बहुत अबाउट टू सेंचुरीज पहले से ही ये स्टार्ट हो गया है कि अपनी एग्रीकल्चर लैंड के लिए या फिर इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए, फैक्ट्रीज सेटअप करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अमाउंट में ट्रीज को कट करना स्टार्ट कर दिया था, फॉरेस्ट को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन वैनिशिंग रैपिडली, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, और जैसे जैसे हमारे ये पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लैंड की और एग्रीकल्चर की नीड बढ़ती जा रही है, और इसके लिए फॉरेस्ट को क्लीन किया जा रहा है, फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, फॉरेस्ट को, ट्रीज को कटिंग की बहुत ज़्यादा अमाउंट में कट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा टाइम आ गया है कि एक टाइम बाद ये पूरा वैनिश होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, सो दैट हमें अब इस काफ़ी ये चीज़ को समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है आज, कि हमें इस वैल्यूएबल रिसोर्स को बचाना है, बिकॉज फॉरेस्ट से ही कहीं ना कहीं हमारी वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट होती है। ओके, तो हमें, अगर हमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है तो फर्स्ट वी हैव टू कंजर्व फॉरेस्ट। ओके, तो अब ये तो इम्पॉर्टेंट हो गया कि हमें कंजर्व करना है, बट हाउ, क्या मेथड्स है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।